हम यहां पे क्या क्या सीख रहे थे सर इसको मैंने तीन पार्ट में बांटा था बेसिकली तीन से चार पार्ट में ये वाला केस नंबर वन डन यहां से हमने स्टार्ट किया और केस नंबर डन हो गया ये ये वाला पार्ट डन ये था हमारा केस नंबर वन अब आ जाते हैं केस नंबर टू पे दैट इज हमारा वेन बिजनेस परचेस जब क्या करेंगे हम बिजनेस परचेज तो उसको किस तरीके से किया जाएगा टेक केयर वो देख लेते हैं बिजनेस परचेज बिजनेस परचेज जब हम बिजनेस परचेस करेंगे सबसे पहले तो आपको समझना होगा बिजनेस क्या होता है और बिजनेस को कैसे खरीदा जाता है बहुत सिंपल सी बात है आप किसी भी बिजनेस को ले लेते हैं एक सिंपल सा डेटा ले लेता हूं मैं और वहां पे हम क्या करते हैं सर कुछ अमाउंट फिल कर लेते हैं अपनी मर्जी से चलिए सर अपनी मर्जी से अब यहां पे ध्यान दे तो क्या है सबसे पहले इधर लाइबिलिटी आता है तो मैंने लिख दिया यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज दस लाख और एक लिख दिया रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज हमने लिख दिया अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है हम आगे चैप्टर में सीख लेंगे जनरल रिजर्व आता है फ्री रिजर्व आता है प्रॉफिट एंड लॉस आता है सिक्योरिटी प्रीमियम आता है कैपिटल रिजर्व आता है बहुत सारे रिजर्व आ जाते हैं इसके अंदर ठीक है तो मैंने रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया सपोज दो लाख मैंने टेन परसेंट डिबेंचर लिख दिया टेन परसेंट डिबेंचर लिख दिया एक लाख मैंने लिख दिया करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी मान लेते हैं दो लाख अगर मैं लाइबिलिटी की टोटल करूँ तो दस दो बारह और तीन पंद्रह लाख हो गया आपको अच्छे से पता है सर वही टोटल एसेट्स का भी होता है दैट इज मैंने लिख दिया पंद्रह लाख मैंने लिखा बिल्डिंग हमारे पास है आठ लाख का बिल्डिंग के बाद मैंने लिखा आ, कैश हमारे पास है दो लाख का और हमने एक लिख दिया मशीनरी पांच लाख का और इस कंपनी का नाम है सर पी क्यू आर लिमिटेड अब इस कंपनी को खरीदना चाहता है मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड तो इस कंपनी को खरीदने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब हम इस कंपनी को खरीदेंगे तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें उसका दुकान खरीदना है उसका मशीनरी खरीदना है ऐसा बिल्कुल नहीं है हम इसके एंटायर बैलेंस शीट को अपने अंदर टेक केयर कर लेंगे पूरी बैलेंस शीट को ही मैं ले लूंगा इसके यानी अगर हम इसके एसेट्स को ले रहे हैं तो हमें इसके लाइबिलिटी को भी लेना पड़ेगा लेकिन इसमें से हम कुछ चीजें छोड़ देंगे सिर्फ दो पॉइंट छोड़ा जाएगा ये ये हमारा देखा जाए तो आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये एक्चुअल में है ऑनर इसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड या ऑनर फंड तो जो ये ऑनर है हम इसको छोड़ देंगे बाकी सब कुछ ले लेंगे तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसको छोड़ दूं और बाकी सब कुछ ले लूं तो ये कंपनी मुझे कितने की पड़नी चाहिए क्योंकि जब मैं इसके एसेट्स को ले लूंगा तो एसेट्स से तो मुझे पंद्रह लाख मिल जाएंगे लेकिन इसके लाइबिलिटी को भी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा तो तीन लाख मुझे लाइबिलिटी पेमेंट करने पड़ेंगे तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मैं पंद्रह लाख रुपए का इससे सामान तो खरीद रहा हूं कंपनी यानी सामान ही एक तरीके से कंपनी खरीद ला कितने का पंद्रह लाख रुपए का एसेट्स मिल रहा है तीन लाख का बेफजूल का मुझे क्या मिल रहा है लाइबिलिटी मिल रहा है अब जब तीन लाख का लाइबिलिटी मिल रहा है तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरे पॉकेट में तो सिर्फ बारह लाख ही आया यानी बोलते हैं ना जब हम कंपनी खरीदते हैं तो ऑनर की सारी चीजें खरीद लेते हैं तो मालिक का देखो भी कितना बन रहा है और यही बारह लाख रुपए हम इसको पेमेंट करने की कोशिश करेंगे अब अगर हमने बारह लाख रुपए का पेमेंट करा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हमने इसको चौदह लाख रुपए का अगर हमने पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब भाई हमने इसको जितना इसका वर्थ बन रहा था उससे ज्यादा का पेमेंट कर दिया इससे ज्यादा का पेमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में किया जा सकता है जब इसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन अच्छी हो तो गुडविल के पैसे दो लाख एक्स्ट्रा दे दिए ले ले भाई तू आप कभी जमीन जायदाद खरीदने जाते हो आपको जमीन अगर लेने जाते हो तो कोने का मकान मिल रहा है सपोज करो या आपका घर है आपके पास पैसा भी आपके साथ वाला प्लॉट मिल रहा है तो आप क्या करोगे यार चल ठीक है यार साथ वाला प्लॉट मिल रहा है मिला के हमारा बड़ा सा घर बन जाएगा एक काम कर एक डेढ़ लाख फालतू ले ले मेरे से क्योंकि वहां पे आप अपना फायदा सोच रहे हो तो सेम यहां पे आप इस कंपनी को खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे देते हो यानी बारह की जगह आपने चौदह दे दिया तो दो लाख किस में माने जाएंगे गुडविल अब ऐसा भी हो सकता है ये कंपनी बिखी नहीं रही तो आप बोलेगा भाई बारह लाख तो देखे ऐसे मैं तो बारह नहीं दूंगा तेरे को जहां जाना है चले जाए मैं तो तेरे को नौ लाख रुपये दूंगा बात खत्म तो एक तरीके से मैंने इस कंपनी को सस्ते में खरीद लिया तो जब कभी भी किसी एसेट्स को खरीदते टाइम पे आपका फायदा हो जाता है तो वो चला जाता है कैपिटल रिजर्व में यानी जब भी हम कंपनी खरीदेंगे तो यहां तीन बातें हो सकती है सर तीन बातें कौन सी कौन सी हो सकती है या तो हम महंगे में खरीद सकते हैं महंगे में या तो फिर हम सस्ते में खरीद सकते हैं आपको समझ में आया होगा या फिर ना तो महंगा ना तो सस्ता जिसे हम पार्ट बोल दें ठीक है ना महंगे में खरीदेंगे तो क्या जनरेट होगा हमारा और गुडविल हमेशा कहाँ जनरेट होता है सस्ते में खरीदेंगे तो क्या जनरेट होगा और कैपिटल रिजर्व कहां जाता है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है ठीक है मैं इसके सारे एसेट्स खरीद लेता हूं और एक फाइनल नंबर में डिसाइड करूंगा मैं तुझे क्या कर रहा हूं यहां पे मैंने इसके सारे के सारे एसेट्स टेक केयर कर लिए और मैं तुझे इशू कर देता हूं अब यहां पे मैं जरूर बताऊंगा तुझे इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूं तुझे आ, दस एक लाख शेयर इशू कर देता हूं एट द रेट टेन ईच मैं तुम्हें एक लाख शेयर इशू कर देता हूं एट द रेट टेन ईच तो जनरल एंट्री कैसे होगा पहले हमें इसके सारे एसेट्स खरीदने होंगे तो मैं एंट्री क्या करूंगा सर बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो डेबिट हो जाएगा और क्या कैश भी मैं इसका ले लूंगा कैश अकाउंट और मशीनरी भी ले लिया और लाइबिलिटी भी मुझे ही लेना पड़ेगा और फिर करेंट लाइबिलिटी भी लेना पड़ेगा देखा जाए तो बिल्डिंग आठ लाख दो लाख पांच लाख एक लाख और दो लाख और जितना मैं शेयर दे रहा हूं उसको मैं नाम रखूंगा सर या तो वेंडर रख दूं या परचेज कंसिडरेशन अभी तो फिलहाल वेंडर याद यूज करो बाकी आगे चल के परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा क्या माना जाएगा सर इसको या तो हम वेंडर बोलेंगे या फिर परचेज कंसिडरेशन आपने लॉ में पढ़ा है ना कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन कौन सा सेक्शन था टू ए जिसके अंदर बोलते थे कि बदले में कुछ देना तो यहां कर लेते हैं कंसीडरेशन और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म हम हमारा जब थोड़ा आगे जाएंगे तो पीसी तो ही वर्ड होगा। सभी क्वेश्चन में आने वाला है। तो बड़ी सिंपल सी बात है मैंने यहां वेंडर लिख दिया, तो वेंडर को कितने का प्रॉमिस किया दस हजार शेयर और दस तो मैं यहां जितना शेयर दे रहा हूं वो लिखूंगा दैट इज दस लाख अब जब ऐसा करेंगे तो यहां एक दिक्कत हो जाएगी सर दिक्कत क्या हो जाएगी यहां कि यहां पे दिक्कत ये हो जाएगी कि डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा क्योंकि यहां पे देखो पंद्रह लाख और यहां पे देखो तेरह लाख तो फर्क कहां आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है तो अब क्रेडिट में जब फर्क आएगा तो इसको मैच करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कैपिटल सीआर का मतलब कैपिटल रिजर्व है ठीक है तो दो लाख का फर्क आ रहा था दो लाख यहां लिखते पहली एंट्री हमारी डन हो गई इसकी फर्स्ट एंट्री डन बींग वही रहेगा कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन या एक्वायर। ये बड़ा नहीं लिख कर सकते इसको चलो बींग तो मैंने बता दिया याद रखिएगा आप लिख लीजिएगा वीडियो के साथ साथ लिखेंगे ऑल एसेट्स इन लाइबिलिटी अक्वाय इसके बाद अब हम क्या करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज दस लाख खत्म इसका आंसर खत्म खत्म चलिए एक और केस देखें बस क्वेश्चन में बदलाव मैं कर दूंगा थोड़ा सा और इस क्वेश्चन में नंबर टू है ये बदलाव मैंने ये कर दिया के जो मैं इशू करूंगा एक लाख तीस हजार शेयर एट द रेट टेन एच क्वेश्चन नंबर इसका ये टू है और जो पिछला किया था वो था क्वेश्चन नंबर वन ठीक है अब जब ऐसा किया हमने तो सब कुछ सेम ही रखते हैं मैंने सारे एसेट्स वगैरह डेबिट क्रेडिट सब कुछ सेम रखा है बस हुआ ये कि अब हम यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन दस लाख की जगह पे मैं लिखने वाला हूं सर तेरह लाख जब मैं ऐसा करूंगा कि दस लाख की जगह पे मैं तेरह लाख लिखूंगा तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या होगी सर एक दिक्कत ये होगी कि अब डिफरेंस जो है वो डिफरेंस पता है कहाँ निकलेगा सर वो डिफरेंस निकलेगा हमारा डेबिट में और जो डेबिट में डिफरेंस निकलेगा तो डेबिट में डिफरेंस निकले को निकलने को हम किससे मैच कर देंगे सर बस इतना फर्क आ जाएगा कितने का डिफरेंस निकल रहा है सर एक लाख का चेक करो यहां पे हो गया हमारा तेरह पंद्रह सोलह और यहां पे भी कितने हो गए सोलह बाकी जो वेंडर अकाउंट के अंदर जाएगा वो सर तेरह लाख और तेरह लाख किसी को कोई दिक्कत क्लियर है यहां तक बता दीजिए बैलेंसिंग फिगर एक लाख बिल्कुल सही यहां तक बता दीजिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत जितने बच्चे लाइव क्लास में हैं फिर हमारा रहेगा प्रमोटर और फिर अंडर राइटर ठीक है बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं चलिए सर इसी को आगे पेज पे कॉपी कर लेते हैं फिर से थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव किया जाएगा बस यहां पे मैं बदलने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर थ्री ताकि याद रहे एट टेन परसेंट प्रीमियम ठीक है और मैं यहां पे ऐसा करता हूं ना चलो कोई दिक्कत नहीं ये कर दिया टेन परसेंट प्रीमियम मैं उसे एक लाख तीस हजार शेयर देने वाला हूं और वो भी कैसे देने वाला हूं मैं 10 के प्रीमियम पे। अब क्या किया जाए सर 10 प्रीमियम को कैसे टेक केयर किया जाए ऐसे सिचुएशन में सारी की सारी एंट्री सेम रहने वाली है सारी एंट्री सेम रहने वाली है बस जहां वेंडर लिखा था तो वेंडर की जगह पर कितना लिखेंगे सर एक लाख तीस हजार तो दे ही रहे थे हम उसको प्लस इसमें टेन परसेंट प्रीमियम का मतलब तेरह हजार रुपए का प्रीमियम अब नंबर निकालने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नंबर तो पहले ही दे रहा निकाल के। तो हमारा एक लाख तिरतालीस फोर्टी थ्री का पड़ जाएगा ये जब 143 पे आएंगे तो यहां पे सिंपल वेंडर में जो लिखेंगे एक लाख चौदह लाख तीस हजार आ जाएगा अगेन डिफरेंशियट ऊपर आएगा तो ऊपर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंशिएट आ रहा है यहां पे देखोगे तो एक लाख दो नहीं पहले एक लाख का आ रहा था तेरह हजार और बढ़ जाएगा भाई नहीं तीस तिरतालीस का बढ़ेगा ना नीचे सत्रह कैसे बन रहा है चौदह दो सोलह और एक सत्रह सत्रह तीस आ रहा है ऊपर कितना है पंद्रह तो दो तीस चलो दो तीस लिख लें ठीक है दो तीस अब यहां एंट्री चेंज हो गया क्या पिछला सवाल मैंने गलत कर दिया क्या तेरह लाख तो पंद्रह एक सोलह एक तो मेरा तेरह अच्छा एक तीस बढ़ गया ना मैंने यहां तेरह हजार गलत लिख दिया है तेरह लाख होगा और ये तीस होगा ठीक है ना तो ये जो बन के आएगा ना हमारा ये बन के आएगा चौदह लाख ठीक है चलो अब सिंपली यहां पे जो वेंडर में आएगा वो आएगा चौदह लाख इक्विटी शेयर जो आएगा वो आएगा तेरह लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा एक लाख तीस हजार टू सिक्योरिटी प्रीमियम एक लाख तीस हजार क्या समझ में आई बात आपको एक और एग्जाम्पल कर ले या इतने में समझ में आ गया क्या क्या फंड है ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं इसको बोलूँ कि मैं तुझे बस क्या करूंगा एक लाख शेयर दूंगा दस परसेंट प्रीमियम पे तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं तुझे एक लाख शेयर दूंगा दस परसेंट प्रीमियम पे तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे आ जाएगा ग्यारह लाख एक लाख शेयर यानी लाख रुपए लिखेंगे तो ग्यारह और दो तेरह और एक चौदह ही बनेगा और ऊपर कितना बन रहा है टोटल पंद्रह तो अब क्या निकल के आएगा कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा बाकी प्रीमियम पे रहेगा ऐसा कभी मत समझना प्रीमियम पे होगा तो हमेशा गुडविल ही निकलेगा ठीक है